दोस्तों कैसे आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आइए मैं आपको अपने गार्डन का सैर कराता हूँ। दोस्तों ये मेरा गार्डन है, मकई फिर से रेडी है, टमाटर लगे हुए हैं, ये नीम का पेड़ भी है, कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है, मेडिसिनल प्लांट है, ये तुलसी का है और नेनुआ हो रहा है, फूल है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, ये नींबू है, नींबू भी काफ़ी फले हुए, नींबू के साथ साथ ये देखिए टमाटर भी फला हुआ है। एक सोए इसको बोलते हैं, धनिया जैसा ही होता है बट इसको सब्जी वगैरह में डाला जाता है टेस्ट बढ़ने के लिए। मटर है, कुछ मटर तो फल गया था, कुछ मटर अभी फल रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, सूखने पे आ गया है मटर। ये अनार का पेड़ है, लास्ट टाइम इसमें से हम लोगों ने काफ़ी अनार खाए थे, मैं इसका वीडियो बना के डाला था आपको। और ये टमाटर है, इसमें भी एक नीम का पेड़ निकला है, इसे कहीं और लगाने होंगे। ये पपीता है, अब इसके पत्ते गिर चुके हैं, पत्ते आएंगे फिर से इसके, इसी तरह से अमरूद है, अमरूद लगा हुआ है, करेला है। दोस्तों ये एक ऑरेंज का पेड़ है, यहाँ भी अनार है, सब मैंने इसको बकेट में ही लगाया है, आप देख सकते हैं इसको सारा कुछ बकेट में है और छत पे है। गुलाब है, गुलाब ये थोड़ा सा इसमें टमाटर की वजह से थोड़ा सा दब चुका है, इसको सही करना होगा, मंडे को संडे को इसको सही करूंगा छुट्टी के दिन। ये भी अमरूद है, अमरूद काफ़ी बड़े बड़े हैं लेकिन अभी फल नहीं पकड़ रहा है, फल अभी नहीं पकड़ रहा है, वो ज़मीन में होता तो शायद फल पकड़ता, तो ये बकेट में ये भी लगाया मैंने, सही है, हो सकता है लेट से फले, फलेगा ज़रूर। और ये भी नींबू है, अभी इसमें फल नहीं पक रहा है, ये नया पेड़ है, इसको मछली के डब्बे में लगाया है। देखिए मकई भी फिर से निकलने लगा है, नींबू आप देख सकते हैं काफ़ी फला हुआ, काफ़ी 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 मात्रा में है, काफ़ी तादाद में। टमाटर इस बार काफ़ी हुआ था, हो भी रहा है अभी। और ये है आम का पेड़ है, ये पपीता है, इसके भी पत्ती झड़ चुके हैं, फिर से होगा ये। ये है सरसों भी इस बार अच्छा हो गया था, वो खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, इतना हुआ था सरसों और धनिया, धनिया भी काफ़ी हो गया, तो धनिया कुछ इसमें है भी, इसको निकालना रह गया। ये भी अमरूद का पेड़ है, ये काफ़ी इसके पत्ते झड़ चुके थे बट इसमें क्या है कि चींटा लग गया था, आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है ना, ऐसे छोटे छोटे चींटा लग जाते हैं, तो मैंने दवा डाला था तो अभी सही है, और दवा डालने की ज़रूरत है। दोस्तों ये देखिए, ये मेरा संतरा है, संतरे का पेड़ है, देखिए इसमें अभी आपको दिख रहा होगा ये फल, ये फल देखिए दिख रहा है, इस तरह के काफ़ी आपको फल दिखने को मिलेगा,
और छोटे छोटे अभी हैं फल। गौर से देखेंगे तो काफ़ी आपको फल देखेंगे। और इसको कहाँ लगाया मैंने, इसको भी बकेट में ही लगाया। इस बरसात में इसको शिफ्ट करूँगा, बड़े बकेट में शिफ्ट होने से ये अच्छा से और इसमें बड़े बड़े इसके फल होंगे, क्योंकि जड़ जो है तो फैला नहीं है ना, जड़ छोटे एरिया में, इसके वजह से। लास्ट टाइम हुआ था बट एक संतरा कम से कम उतने बड़े नहीं हुए थे, करीब एक संतरा होगा 80 से 100 ग्राम के आसपास। ये हमारे फूल हैं। तो दोस्तों आप भी कोशिश कीजिए अपने छत पर लगाने के लिए, है थोड़ा मेहनत तो है इसमें, मेहनत तो करना होगा आपको, बट क्या है कि अच्छा आपको जो सब्जी का भी काम हो जाएगा और प्लस सब्जी के साथ साथ आपका आप इस पे फल फ्रूट कुछ भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये अमरूद का पेड़ है, इसी में आम का हो गया। अब इसको शिफ्ट दूसरे डब्बे में लगाना है। ये भी मेडिसिनल प्लांट है, इसके दर्द वगैरह में काम में आता है बहुत। तो कभी भी घुटने वगैरह में दर्द हुआ या कहीं भी दर्द हुआ तो इसके पत्ती को गर्म करके या पीस के लेप लगा सकते हैं, फ़ायदेमंद है ये। इसमें भी एक अमरूद का पेड़ हुआ है, यही है। ये हमारा मटर फल काफ़ी दिया इसने, अब क्या है सूख रहा है, इसका टाइम हो गया। मटर का तो एक टाइम लिमिटेड टाइम होता है, उस टाइम तक रहता है, टाइम के बाद ये मटर ख़त्म हो जाता है। ये पुदीना है, ये भी पुदीने का पेड़ है, पुदीने की चटनी वगैरह अभी खाने में अच्छा लगता है, बनता है चटनी टाइम टू टाइम बनता है। तो दोस्तों ये मेरा गार्डन का फर्स्ट पार्ट था, और कुछ मैंने गार्डन वहाँ भी कर रखा है, ये देखिए, और कुछ गार्डन आपको दिखा रहा हूँ, कुछ गार्डन इसके दूसरे पार्ट में भी है। ये देखिए घर के दूसरे पार्ट में भी गार्डन। तो दोस्तों कैसा रहा मेरा गार्डन, आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हौसला बढ़ेगा। और कमेंट्स कीजिए प्लीज़ कि इसमें और बेहतर क्या करना है। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।